हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मित। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी टाइम के बाद आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी के साथ साथ हम एक और नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाईकोर्ट की तरफ से रिलीज़ किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट उसके लिए भी आप में से एलिजिबल होने वाले हैं, बिकॉज वो कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है, जिसमें अगर सैलरी की बात करें 25,500 से 81,100 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है, जिसमें 3 से 4 टाइप की वैकेंसीज आई हुई है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.colori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बात करें हम रिक्रूटमेंट की, जिसमें सबसे पहला जो अपडेट आया है हाई कोर्ट की तरफ से आ चुका है। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है, परमानेंट आपकी ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 25,500 से 81,100 आपकी पर मंथ इसके लिए सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट इसके लिए अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो कुछ वैकेंसीज के लिए 18 to 40 तक एज है अप्लाई कर सकते हैं, कुछ वैकेंसीज के लिए 18 to 35 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स मिनिमम 18 मैक्सिमम 40, और कुछ वैकेंसीज के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 रहने वाली है। तो इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। अगर आप OBC कैंडिडेट, आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। SC ST को 5 साल का एंड अदर्स को एज पर नॉर्म्स इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट इसके लिए हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है जो इसमें आउट की गई हैं। वैकेंसीज इसमें 2 से 3 टाइप की आउट की गई हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की और इम्पॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 800 एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। इसके अलावा अगर SC ST कैंडिडेट है, उनको 600 एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। और अगर अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं जो रिजर्व्ड कैंडिडेट है, उनकी एप्लीकेशन की फ़ी 800 रहने वाली है। ये भी आपको ऑनलाइन पे करनी है। थोड़ा शॉर्ट में पहले बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सेम रिक्रूटमेंट का दिया है, 2 अलग अलग लिंक है, बिकॉज इन्होंने 2 कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड कर रखा है। एक नोटिफिकेशन में अलग वैकेंसीज है, दूसरे में अलग है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन आप उसको चेक करना, अप्लाई करना। डिस्क्रिप्शन में आपको उस बस लिंक पे क्लिक करना है। लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक, जिसमें पहला लिंक आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन का, उस पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा, आप रीड कर सकते हैं। सेकंड नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि अपना नेम, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, कब आपने पास आउट की है, कहाँ से आपने पास आउट की है, एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके जस्ट सबमिट आपको कर देना है। अप्लाई करते वक्त ही आपको फ़ी पे की ऑप्शन आएगी, तब आपको फ़ी पे कर लेनी है। अब बात करते हैं इनमें वैकेंसीज कौन कौन सी आउट की गई हैं। इसमें जो वैकेंसीज है, कंप्यूटर असिस्टेंट की आउट की गई है, रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसीज है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसीज है जो आउट की गई है। आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 200 आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 200 मार्क्स के, और 3 आवर्स का आपके पास टाइम रहेगा, जिसमें इसमें इन्होंने मैंशन भी किया हुआ है क्या क्या इंक्लूड रहेगा, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के होने वाले हैं। तो जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, इंडियन नेशनल मोमेंट से रिलेटेड रहेंगे, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इकॉनमी एंड
एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। इसमें पॉपुलेशन का आपको पता ही है, हर 10 साल बाद होती है। लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, अब 21 में होने वाली है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड अदर सब्जेक्ट है जो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है फर्स्ट अपडेट। अब बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जो कि आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुका है। इसका भी सेकेंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके पहले नोटिफिकेशन रीड करना है, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। सेम जैसे मैंने आपको हाई कोर्ट का बताया ना, ऐसे ही आपको अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और आंगनवाड़ी का जो अपडेट है, इसमें आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व्ड कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो वैकेंसीज है कौन कौन सी आउट की गई है। इसमें जो वैकेंसीज है हेल्पर और वर्कर की आउट की गई है। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले और इसके लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन अप्लाई करना है। और नेक्स्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इन्होंने मेंशन किया है अगर इनको एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव होती है तो इसमें आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, देन आपकी इंटरव्यू। अगर एप्लीकेशन कम होती है सिर्फ आपकी इंटरव्यू होगी, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे मैंने थंबनेल पर मेंशन किया एग्ज़ाम नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा, इन्होंने मेंशन किया है एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव होती है इन केस, तब हो सकता है, वैसे सिर्फ इंटरव्यू होगी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। और इसके लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके लिए आप 8th पास है आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास भी एलिजिबल है, 12th ग्रेजुएट, हर कोई कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाला है और अप्लाई कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम कोई नहीं होना है। इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ी भी आपको कोई पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं चाहे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, किसी को किसी टाइप की कोई फ़ी पे नहीं करनी है। इसमें भी 1 से 2 अलग अलग लोकेशन के लिए नोटिफिकेशन ये रिलीज़ की गई है। वैकेंसी सेम है, हेल्पर और वर्कर की ही है। अपने अकॉर्डिंगली चेक करके आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। ये जो अपडेट है इसके लिए 133 वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं और इसके लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। लिंक पहला आपको हाई कोर्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सेकंड आपको मिलेगा आंगनवाड़ी का। चेक करके आपको उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। बस वो क्वेश्चन वीडियो से थोड़ा हटके हो, मतलब वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हुई है अगर वही क्वेश्चनिंग होगी तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई होती हैं। कुछ अलग आपका क्वेश्चन है मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी, सब जानते हैं मैं रिप्लाई करती ही हूं आपको, कोई भी आपको हेल्प चाहिए होती है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आई हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी वेबसाइट का हमारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा जो वैकेंसीज है ये चेक करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।